प्रोफेसर खुशामदे जनाब फ़ियाज़ फिलाना साहब मेरे साथ हैं। पाकिस्तान की सूरतेहाल को हम डिस्कस करने चाहेंगे और उन्हीं के एनालिसिस हम आपकी खिदमत में शेयर करेंगे। जनाब फ़ियाज़ फिलाना साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरफा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ चाहिए, आपका प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, हमारे लिए हमारे तमाम लिसनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, दिस इज़ योर लाइफ एंड योर एनालिसिस एंड आपका अपनी सुआबदीद के मुताबिक, मगर हमारा मकसद एक ट्रू पिक्चर आपके साथ शेयर करना है। यस, मैं हमेशा इसको इसकी वजाहत ज़रूर करती हूँ, मगर अगर कोई और करे ना करे। फ़ियाज़ भाई, जहाँ पर हम बाकी तमाम की तमाम बातें करेंगे, अभी आधा घंटा पहले, और ये कोई अननोन शख्स नहीं है, वेरी क्लोज पर्सन टू दीज इंडिविजुअल्स, आपने भी बल्कि शेयर किया कि इश्तहारी करार दिया गया जनाब शाहीन सहबाई साहब को, जनाब हैदर मेहदी साहब को, आदिल राजा को और एक और साहब को, और उन साहब ने तो बल्कि आर्मी के लिए काम भी किया और वेरी क्लोजली काम किया। अरशद शरीफ साहब ने भी आर्मी के लिए बड़ा क्लोजली काम किया था। अभी अभी मुझे ख़बर मिली है कि तकरीबन आपसे आधा घंटा पहले, आई विश एंड आई बिलीव कि ये ख़बर गलत है, आई विश एंड आई बिलीव एंड आई प्रे कि ये ख़बर गलत हो कि जनाब आदिल राजा साहब को अल्टीमेटली इंग्लैंड से अरेस्ट किया गया, उनको एक्सट्राडाइट करवाया जाएगा और बाकी लोगों के लिए भी ये ऑपरेशन करेगा। यानी इस मुल्क में जो लोग ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, क्या उनको अपना जायज़ा पेश करने की ये कीमत चुकाना होगी? जब ये बात करते हैं, मैंने भी उस पर, आपने जो पढ़ा होगा, मैंने राइटअप छोटा सा लिखा उस पर, और मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि हमें हमारे इदारों को, हमारे अवाम को, हमारे लोगों को, सबको तमीज़ करनी होगी कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट कौन से हैं और हादसाती जर्नलिस्ट कौन से हैं। और हादसाती जर्नलिस्ट कुछ तो होते हैं ना, जिस तरह डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे और सेहत दे। आप मेरे बारे में अक्सर लोग यही कहते हैं कि मैं हादसाती जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ दिल वाली हूँ और आई लव पाकिस्तान, मैं खबरों को शेयर करना चाहती हूँ, मैं कोई झूठ शेयर नहीं करती। मुझे भी अक्सर लोग हादसाती कहते हैं, मगर मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहती हूँ, आई एम नॉट जर्नलिस्ट, इट्स ओके, मगर मेरा दिल है, मैंने पढ़ा भी हुआ है, मेरी अकल भी है कि मैं यकीनन आई लव माई पाकिस्तान, मैं उसके लिए खड़ी हो ज़रूर सकती हूँ। चलें पहले आपकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना एक मौक़फ़ होता है, और आपके रेडियो पे और आपके टेलीविज़न पे माशाल्लाह हमें आज़ादी है कि हम अपने दिल की बात खुल के कर सकते हैं। आपके बारे में और कुछ और दोस्त जिन्होंने इस मैदान सहाफ़त में या मीडिया के ज़राए अबलाग के इस शोबे में एक साल काम किया, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल, दस साल, बीस साल, आप लोगों ने बीस बीस पच्चीस पच्चीस साल से आप काम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली यही काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कंसिस्टेंसी क्या होती है? और हम जो हम क्लेम करते हैं कि हम बाकायदा जर्नलिस्ट हैं, तो हमने भी तो यही किया ना, हमने कौन सा कमाल किया? हाँ, फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा जो है वो ये है कि हमने उस्तादों के अंडर काम किया, आपने अपने तय किया, क्योंकि आपको उस्ताद यहाँ दस्तयाब ही नहीं थे, उस्ताद इसलिए दस्तयाब नहीं थे कि आपने रेडियो शुरू किया। अब यहाँ कोई आपसे ज़्यादा बेहतर रेडियो करने वाला होता तो यकीनन आपको भी गाइड करता, और बाकी जो हमारे दोस्त अहबाब यहाँ कर रहे हैं 20-20 साल से, तो जाहिर है उनके अंडर करते। यहाँ बीबीसी, जिस तरह बीबीसी लंदन में एक उर्दू की थी रजा अली आबदी, या वहाँ मापारा सफदर के हस्बैंड सफदर हमदानी या और बड़े लोग थे, वहाँ अगर आप काम कर रही होती तो यकीनन आप में उस तरह की ट्रेनिंग और उस तरह की एक आप में एक टच नज़र आता। तो जिस तरह के सरकमस्टांसेज होते हैं उसके अंदर रहते हुए आप लोग जो है स्टिक रहे इसी काम से, आपने कोई और काम, कोई और धंधा नहीं शुरू किया। रियल एस्टेट का लाइसेंस आपने बहुत बाद में जाके अभी लिया, शायद अ फ्यू इयर्स बैक, चार पाँच साल पहले, उससे पहले आपकी रोटी रोजी यही थी। और जिस बंदे की रोटी रोजी जर्नलिज्म है उसे हम जर्नलिस्ट मानते हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब हो, लाहौर प्रेस क्लब हो, पाकिस्तान भर के जो प्रेस क्लब्स हैं, उसकी मेम्बरशिप की मेन शर्त भी यही होती थी कि बंदा फील्ड में जाता हो, उसका खबर के उसूल से, इंफॉर्मेशन के उसूल और इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर से उसका ताल्लुक हो, और उसकी रोजी रोटी यही हो। ये बेसिक शरायत होती थी जर्नलिस्ट के में उसकी क्राइटेरिया पे पूरे उतरने की। किसी ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, कितना कोई काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, ये बिल्कुल इज नॉट अ सब्जेक्ट। हादसाती वो होते हैं जिन्हें एक प्रोफेशन में उन्होंने ट्राई की, नहीं चली, दूसरे में नहीं चली, लेकिन हादसाती शायद मसूद उस वक्त थे जब वो आए थे इस प्रोफेशन में, क्योंकि उन्होंने लाहौर से अपना सिंध से मेडिकल किया, वहाँ उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की, नहीं चली, फिर वो इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड में जाके उन्होंने
एग्ज़ाम पास करने की कोशिश की, वहाँ का वो वी लैब का एग्ज़ाम नहीं पास कर सके, वहाँ मेडिकल प्रोफेशन को स्टार्ट नहीं कर सके। फिर उन्होंने वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लंदन सेक्रेटेरिएट में बैठ के जॉब शुरू कर दी। वहाँ उनकी बहुत जल्दी उनकी लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए, वहाँ से वो पीपल्स पार्टी उन्होंने छोड़ी। उसके बाद वो कौमी अखबार कराची, इलियास याकर साहब मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका कराची से एक अखबार निकलता था कौमी अखबार, उसके लिए ये फोटोग्राफी शुरू की इन्होंने डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने, या लंदन से तस्वीरें भेजते थे और कौमी अखबार कराची में तस्वीरें छपती थी, फोटो शाहिद मसूद उनके नाम से तस्वीरें छपती थी। फिर तस्वीरें छापते छापते उन्होंने खबरें भी भेजना शुरू की और वहां से उन्होंने जर्नलिज्म शुरू की। फिर ARY लंदन से शुरू हुआ तो ARY में उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया। लेकिन अब इतने साल काम करने के बाद अब भी अगर कोई कहे जी कि वो जर्नलिस्ट नहीं है तो वो ज्यादती है। अब जर्नलिस्ट हैं, वो हादसाती उस वक्त थे जब वो आए थे, अब वो हादसाती नहीं रहे। इसी तरह ये कुछ हमारे दोस्त जिनको हम क्लब कर रहे हैं अभी, शाहीन सबाई और वजाहत अस्खान, वजाहत सईद खान के साथ, ये हादसाती जर्नलिस्ट नहीं है, ये यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूबर्स भी शौकिया यूट्यूबर्स हैं। एक यूट्यूबर होते हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल कादर है, ARY का रिपोर्टर है इस्लामाबाद से, यंग है, सदीक जान है बोल का रिपोर्टर है इस्लामाबाद से, ईसा नकवी है इस्लामाबाद का रिपोर्टर है, अब्बास शब्बीर है, तलत हुसैन है, जावेद चौधरी है, ये सारे जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने यूट्यूब को, असदुल्ला खान बहुत अच्छा करता है यूट्यूब, ये यूट्यूबर वो हैं जिन्होंने जर्नलिज्म पहले की, यूट्यूब बाद में शुरू किया एज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम या एज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ टॉकिंग और गिविंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक एट देयर ओन विल, और ज्यादा एक्सटेंड जितना वो लंबा प्रोग्राम करना चाहें कर सकते हैं, जितने वो सेशन करना चाहें कर सकते हैं, दिन में जितनी वो करना चाहते हैं कर सकते हैं, अपने टेलीविजन चैनल पे या अपने अखबार में या अपने रेडियो पे उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता था और लिमिटेड एक खास एंगलिंग भी होती थी, उसके इदारे की पॉलिसी का भी उन्हें ख्याल रखना होता था। अब वो यूट्यूब पे खुल के बात कर सकते हैं, वो यूट्यूबर और हैं। कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने कभी, उन्होंने ना अखबार में दाखिल हुए अखबार के ऑफिस में, ना किसी रेडियो में उन्होंने काम किया, ना किसी टेलीविजन में काम किया, ना किसी वेबसाइट न्यूज़ वेबसाइट पे काम किया, उन्हें अलफ बे जर्नलिज्म की अलफ बे का नहीं पता। वो यूट्यूबर शौकिया फनकार जो हैं वो इसमें आ गए हैं। अब शौकिया फनकार जब भी बोलेगा वो कहीं ना कहीं उसकी गलती, कहीं ना कहीं उसकी खामी, कहीं ना कहीं उसकी कोताही नजर आ जाएगी। अब जिन यूट्यूबर्स को क्लब किया गया है इसमें, वजाहत मसूद खान के साथ, वजाहत सईद खान और शाहीन सबाई साहब के साथ, उन यूट्यूबर्स के मैंने वीलॉग सुने हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज उसमें अदा किए हैं बंदा कानों को हाथ लगाता है। अब उनके बारे में मुझे याद है आपने भी एक दफा कहा था कि वो फलां खबर फलां साहब के बारे में, तो मैंने कहा आई एम नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट दैट पर्सन, मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी दी हुई खबर, उनकी बयान की हुई खबर, उनकी बताई हुई इंफॉर्मेशन पे मैं तबसरा करूं मैं वेस्ट ऑफ टाइम समझता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उस बंदे को इन्फॉर्मेशन देने का ही नहीं, जिस बंदे को पता कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक किस तरह करनी है, उसने यकीनन की खबर लेते हुए भी कुछ एहतियातें नहीं की होंगी, आगे बयान करते हुए भी एहतियातें नहीं की होंगी। अब मैं उसकी बयान की हुई खबर पर अगर तबसरा शुरू कर दूँ तो इट मीन्स कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम एंड आई एम वेस्टिंग माई ऑडियंस टाइम। वो गलतियाँ करते रहे हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन शाहीन सहबाई साहब के साथ या वजाहत मसूद इनके साथ ज्यादती है। शाहीन सहबाई साहब 25 साल यहाँ वाशिंगटन डीसी में उन्हें हो गए हैं, उससे पहले वो इस्लामाबाद में, तकरीबन 50 साल का उनका कैरियर है और वो दी न्यूज़ के ग्रुप एडिटर रहे हैं, डॉन में ब्यूरो चीफ रहे हैं वाशिंगटन डीसी में, और पाकिस्तान का शायद ही कोई पॉलिटिशियन, शायद ही कोई पावर कॉरिडोर्स का बंदा होगा जो शाहीन सहबाई साहब को पढ़ता नहीं होगा या उनका मोतरफ नहीं होगा। शाहीन सहबाई साहब बात कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मैंने आज तक उनके जबान से, उनके कलम से कोई ऐसा लफ्ज नहीं सुना जिसको हम कह सकें कि वो काबिल गिरफ्त है। इसी तरह वजाहत सईद खान आर्मी के लिए उसने काम नहीं किया, आर्मी के साथ एज ए रिपोर्टर काम करता है, जिस तरह अर्शद शरीफ साहब एज ए रिपोर्टर काम करते रहे हैं। इसी तरह और अभी इस वक्त इस्लामाबाद में हमारे मंसूर अहमद खान है, लईकुररहमान है, बहुत एजाज अहमद है सिंध से, इस्लामाबाद में पूरी एक बीट करने वाले खालिद महमूद हैं एक्सप्रेस से, मीडिया की आर्मी की बीट करने वाली एक पूरी टीम है इस्लामाबाद में, मतीन हैदर करते हैं GNN से। तो वो मीडिया आर्मी के साथ काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके लिए काम करते हैं, आप एज ए बीट रिपोर्टर उन काम करते हैं। और वजाहत मसूद खान, वजाहत सईद खान का कहना यह है कि मैंने 100 यूनिट आर्मी के यूनिट्स के साथ एज एन एम्बेडेड जर्नलिस्ट, एज अ ड्यूटी रिपोर्टर मैंने काम किया है। और उसने इनके जो स्टाफ कॉलेज क्वेटा है वहाँ आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स को पढ़ाया भी है। अब एक वजाहत इतने कैलिबर का बंदा, इतनी अच्छी रिपोर्टिंग करने वाला, इतने अच्छे वी लॉग्स करने वाला, इतने अच्छे राइटअप लिखने वाला, उसने सिर्फ पाकिस्तान के अखबारों में, द न्यूज़ में नहीं लिखा, उसने इंटरनेशनल अखबारों के लिए भी लिखा है,
तो उसके उसको इस मुकदमे में करना ज्यादती है। और उसकी FIR आप देखें इस्लामाबाद में जो इन्होंने काटी है, एक बंदा है कोई इस्लामाबाद G11 के G13 के रहने वाला कोई आम शहरी है, उसने दरख्वास्त दी है SHO को कि 9 मई वाले दिन मैं यहाँ इस्लामाबाद में किसी काम से जा रहा था तो फलां चाइना चौक के पास उसने बताया कि वहां मैंने कुछ लोग 20-25 लोग देखे, वो खड़े थे और वो नारे लगा रहे थे और उन्होंने मुझे वीडियोज दिखाई और उन वीडियोस और क्लिप्स के मुताबिक मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों ने इश्तियाल दिलाया था और इनके वीडियोस और इनके क्लिप्स देखने के बाद वो बंदे मुश्तैल थे और उन्होंने तोड़ फोड़ की और ये वो इस पे हुआ है। अब शाहीन सबाई साहब वाशिंगटन DC में बैठे हुए हैं और अगर उन्होंने कोई खबर या कोई तबसरा या कोई बयान या कोई ट्वीट या कोई आर्टिकल या उनका कोई क्लिप कहीं किसी के हाथ में था तो वो कैसे प्रूव करेंगे कि उसकी वजह से वो बंदा इश्तियाल में आ गया था। मगर उन्होंने नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, शाहीन सबाई साहब ने आई डाउट इट वेरी मच कोई ऐसी बात नहीं की, कोई बात नहीं की, उन्होंने अपने एनालिसिस मुख्तलिफ औकात में पे किए। वजाहत सईद खान के साथ ज्यादती है, बाकी सबके साथ ज्यादती है। मैं ये कहती हूँ कि मुल्क का मजाक नहीं होना चाहिए। मैं सर पाकिस्तान में जब देख रही हूँ आज डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो मैं पाकिस्तान की तरफ लेके जाने से एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ों का बयानियाँ, दुनिया बदलती हुई दुनिया है, आप अमेरिका की बात कर लें, आप इंग्लैंड की बात कर लें, पाकिस्तान की। अब 4-5 स्टेटमेंट्स बताती हूँ। आज ही मैं तलत हुसैन साहब का एक प्रोग्राम देख रही थी, उसमें कहा जी इमरान खान अपना बयानियाँ बदल रहे हैं। भाई डिफरेंट टाइम में एक चीज़ को बयान है, कहते हैं 4 जून पे 37 के करीब चीज़ें हैं जिनकी पादाश में उनके लिए हुआ है। ये 24 मार्च को वो कहते हैं कि ट्रंप ने गिरफ्तारी का झूठा दावा किया और मुकदमे में सियासी हथियार के तौर पर वो कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएंगे, वो इसको एज ए वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने 19 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने बयानिया दिया था कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं कंपेयर कर रही हूँ, देर आर सो मैनी प्लेसेस जहाँ पे एग्जैक्टली ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन इन लोगों की भी होती है। 2 अप्रैल को इन्होंने कहा था कि पाँच अप्रैल को इन्होंने कहा था कि सदारती इंतखाब में मुझे पीछे रखने के लिए मुझे हर तरह से रुकावटें मेरे लिए पैदा की जा रही हैं और इन तमाम चीज़ों का जो जिम्मेदारी है वो बाइडन के ऊपर डाली जा रही है। हालांकि उनके अपने बेटे, बाइडन के अपने बेटे जो हैं उनका भी कोई किरदार इतना साफ और शफाफ नहीं है। और जब मैं पाकिस्तान को देखती हूँ, आई सी एग्जैक्टली सेम थिंग्स इन पाकिस्तान। तो इस वक्त अगर आपने, मैंने आपसे अभी शेयर किया और मैं दुआ करती हूँ कि वो ख़बर बिल्कुल सच ना हो, मगर आज जहाँ ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल जी हमने बिल पास कर दिया है कि फ़ौजी अदालतों के बीच में ही मुकदमात चढ़ाए जाएंगे, हालांकि BBC की तहकीक के मुताबिक आर्मी के कुछ हाजिर सर्विस लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मगर रज़ा रब्बानी जो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, सैनिटर रज़ा रब्बानी, उन्होंने कहा है कि 9 मई फसादात में जो मुलविस अफराद हैं उनको बिल्कुल आप इंसाफ के कटहरे में लेके आए, लेकिन आम शहरियों पर फौजी अदालत में मुकदमात नहीं होने चाहिए। यानी ही इज टॉकिंग सेंसिबली, तो क्या फरमाएंगे इसके बारे में? अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, असल में इस वक्त हमारी सियासी इशराफिया भी और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी और हमारे मुख्तदर हल्के सारे इस वक्त परेशान हैं और परेशानी की वजह एक ही है, इमरान खान। आप देखें अजीब तजबजब का शिकार हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा लेफ्ट की पार्टी कहा जाता था, समझा जाता था और है भी, और उनके बारे में ये एक तासर था कि जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी वहाँ ये बोलेंगे, जहाँ बुनियादी शख्सी आज़ादियों की बात होगी ये बोलेंगे, और इसी वजह से आसमान जहांगीर मरहूमा और इस तरह के जो लोग थे, जो इस तरह की सोच रखने वाले लोग थे, आई रहमान हो गए, आसमान जहांगीर हो गई और बाकी जो लोग थे वो पीपल्स पार्टी की तरफ टिल्टेड समझे जाते थे या पीपल्स पार्टी की सोच के लेफ्ट के सोच वाले थे। अब इस वक्त वो अजीब गोम गोम है, जो पाकिस्तान में जितने नाम नहाद लिबरल थे वो सारे खामोश हैं कि जितनी पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हकूक़ की और बुनियादी शख्सी आज़ादियों की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इतनी शायद कभी मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री में नहीं हुई, लेकिन वो सारे चुप सादे बैठे हुए हैं। और वो जो आंटियाँ थीं जो हर छोटे से वाक़े पे मोमबत्तियाँ लेके पहुँच जाती थी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने और लाहौर प्रेस क्लब के सामने, शिमला पहाड़ी के सामने, वो सारी आंटियां भी खामोश हो गई हैं, वो सारी फॉरेन फंडेड और लोकल फंडेड NGOs भी खामोश हो गई हैं, वो उलमाए कराम जो हैं जिनको इस्लाम के और उसके हमारे अकवामे और मज़ाहिब आलम के कलाबे मिलाते हुए जिनकी ज़बानें जो हैं वो खामोश नहीं होती थी, वो सारे भी इस वक्त चुप सादे बैठे हुए हैं। क्यों?
कि खौफ है इमरान खान का, कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी खतरनाक है, इतनी खौफनाक है कि जिस तरह ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि अगर इमरान खान आ गया तो वो हमें जिंदा गाड़ देगा, ये इनके अंदर का खौफ है कि भाई आपको क्यों कोई गाड़ेगा, अगर आपने कुछ किया नहीं है तो फिर तो आपको इमरान खान की तरह खड़े रहना चाहिए, जिसपे अभी 150-250 मुकदमात हैं और अभी उस पर मिलिट्री कोर्ट्स के पे उसके मुकदमे चलाने की बात हो रही है और उसकी GIT बन रही है और GIT में जो उसने बयान दिया है वो बयान GIT के पास बाद में पहुंचता है, राणा सनाउल्ला साहब पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर कर देते हैं और पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया उस पर तबसरे कर रही है कि इमरान खान ने क्या स्टेटमेंट दी, और उस स्टेटमेंट को फिर इमरान खान अपनी वजाहत देता है ट्विटर पे, पूरा मुकदमा ट्विटर पे लड़ा जा रहा है, पूरा मुकदमा सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है, पूरा मुकदमा जो है इसमें हमको मुकदमेबाजी वाली तो बात ही नहीं लग रही, इसमें तो कोई जाति प्रखाश की बात लग रही है, ये तो जाति लड़ाई बना ली है इन्होंने, मुकदमात इस तरह होते हैं, केसेस जिस तरह होते हैं, GIT जिस तरह काम करती हैं वो तो इंतहाई खुफ्तिया होती हैं, 10 तहखानों में काम होता है, वहाँ बयानात दिए जाते हैं, वहाँ बयानात पे बहस होती है, वहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, वहाँ सारे गवाहान को तलब किया जाता है, तो वो तो एक बंद कमरे की बात होती है, आपने इसे जो है बिल्कुल चांदनी चौक पे और फवारा चौक पे आके ला के रख दिया है, अब अगर फवारा चौक पे अगर आपने जाके इस तरह करेंगे तो फिर आप लोग सारी चीज़ें निकाल के आपके सामने लाएंगे, जहाँ इमरान खान ने अगर ये बयान दिया है तो इससे पहले आपके कायदे मोहतरम जो वैसे तो नाहल हैं लेकिन लंदन में बैठे हुए पूरी हुकूमत भी पाकिस्तान की चला रहे हैं, आपकी पार्टी भी चला रहे हैं और मुस्तकबिल के इरादे भी उनके हैं और वहाँ ही उनके साथ जो है खुफिया मीटिंग्स भी होती हैं और एलानिया मीटिंग्स भी वहाँ होती हैं, तरीके इस्तकाम हो या सियासी इस्तकाम हो या दम इस्तकाम हो या माशी इस्तकाम हो, हर बंदा वहाँ से डायरेक्शन लेके आता है, जिसने पहले नहीं ली वो जहांगीर तरीन की तरह टिकट लेके वहाँ लंदन पहुँच जाता है और वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेता है, उन्होंने जो तकरीरें की थी और उन्होंने जो कुछ कहा था, क्या आप उनके एक एक बयान को भी यहाँ उसी पर्डे में रखेंगे, क्या उसका भी आप इसी तरह जरा करेंगे उनके एक एक बयान पे और एक एक फिक्रे पे, चलें उसको तो छोड़ दें, वो तो भागे हुए हैं, वो तो मतलूब हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उन पे तो आप हाथ नहीं डाल सकते, उन पे तो कोई रेड ग्रीन और येलो आपके इंटरपोल वारंट कुछ नहीं काम करते, मरियम तो पाकिस्तान में मौजूद है ना, मरियम ने अभी 10 दिन पहले क्या तकरीरें की, 20 दिन पहले क्या तकरीरें की, मरियम ने अदलिया के खिलाफ क्या तकरीरें की, क्या मरियम के उन बयानात की वजह से मरियम की बाज किसी ने उसकी पूछा उससे कि हाँ क्या किया आपने, क्या कहा, क्यों कहा, क्या उसने आर्मी के बारे में जो कुछ मरियम ने कहा था क्या किसी ने उससे पूछा, नहीं, मरियम से तो इंस्ट्रक्शंस लेके चलते हैं हमारे पिंडी वाले भी और इस्लामाबाद वाले भी और लाहौर पिशौर वाले भी, सारे मरियम से पूछ के चलते हैं, चाहे वो गवर्नर KPK हों, चाहे चीफ मिनिस्टर पंजाब हों और चाहे हमारे पिंडी वाले हों, हर बंदा मरियम से इंस्ट्रक्शन लेके चल रहा है, उसका सुबह नाश्ता और दोपहर का लंच और रात का डिनर भी मरियम से मेन्यू पूछा जाता है कि आज क्या होगा और कल क्या होगा और परसों क्या होगा, आप इस तरह नहीं करें, आप अगर करना चाहते हैं एहतसाब तो बिल्कुल करें लेकिन एहतसाब का कोई तरीका होता है, इसी तरह पीपल्स पार्टी अजीब तजबजब का शिकार है, एतजाज एहसन जो अभी तक पीपल्स पार्टी के पुराने मौकफ पे कायम है और लतीफ़ कोसा जो पीपल्स पार्टी के ओरिजिनल मौकफ पे कायम है, उन दोनों को तकरीबन पार्टी से इन्होंने निकाल दिया है, इससे पहले इनके अपना सैनेटर थे नवाज खोकर, सेनेट में इंसानी हकूक की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके चेयरपर्सन थे, वो चेयरपर्सन वो इस तरह बने थे कि होता यह है कि पार्टीज में तकसीम की जाती हैं स्टैंडिंग कमेटीज 50-50, तकरीबन 50 स्टैंडिंग कमेटीज अपोजिशन के पास जाती हैं, 50 स्टैंडिंग कमेटीज गवर्नमेंट के पास जाती हैं, जो गवर्नमेंट के पास चली गई उसमें फिर PDM ने आपस में नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने बांट ली, अब पीपल्स पार्टी के हिस्से में जो 4-6-5-10 स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप्स आई उसमें से ज़ाहिर उन्होंने देखना था कि हमारा कौन सा बंदा किस फील्ड का एक्सपर्ट है, तो इनको इंसानी हकूक का एक्सपर्ट समझते हुए मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स बनाया गया था, और वाकई नवाज खोकर ने ह्यूमन राइट्स के हवाले से जितना शीरी मजारी ने काम किया था उस इतना ही या उससे ज़्यादा काम हाजी नवाज खोकर के बेटे मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने किया था, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज खोकर क्योंकि इसी तरह बोलता था, वो इस बात की परवाह नहीं करता था कि मेरी ये स्टेटमेंट इमरान खान के हक में जा रही है या शहबाज शरीफ के हक में है, तो उन्हें पार्टी ने निकाल दिया, और वो जवान का बंदा क्योंकि उसकी अपना एक ख़ानदानी उसका एक है, उसके वालिद साहब की हाजी नवाज खोकर की एक बड़ी स्टैंडिंग है, उसने रिज़ाइन सिर्फ चेयरमैन स्टैंड उसकी स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन नहीं दिया, पार्टी के अहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया, सेनेटरशिप से भी दे दिया, हालांकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सेनेटरशिप से अहदे कोई नहीं इस्तीफ़ा कोई नहीं देता, लोग कहते हैं 6 साल की तनख्वाहें लगी हैं लगी रहें, अच्छी खासी तनख्वाह होती है, और उसने हर चीज़ से रिज़ाइन कर दिया सिर्फ इस वजह से कि वो एतजाज एहसन और लतीफ़ कोसा की तरह खुल के बोलता था और हक सच की बात करता था, रज़ा रबानी साहब इससे पहले भी बाल बाल बचे थे, रज़ा रबानी साहब को पहले भी सदर पाकिस्तान नहीं उस वक्त बनाया गया था, क्यों कि जरदारी साहब को था कि ये बंदा बहुत जो है वो हक सच की बात करता है, रज़ा रबानी साहब को अब लोगों ने टीज़ किया कि रज़ा रबानी साहब आर यू अलाइव देखें क्या हो रहा है, तो रज़ा रबानी साहब को स्टेटमेंट देनी पड़ी है, शायद आने वाले दिनों में 2-4-6 और बंदे पीपल्स पार्टी के बोल पड़े, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने वोटर को भी अब मुंह नहीं दिखा सकती
कि ये जो कुछ पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है हमें इस पे बोलना हमारा काम था, लेकिन हम नहीं बोले सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। किसकी कुर्सी बचाने के लिए? शहबाज शरीफ की बचाने के लिए। कौन सा शहबाज शरीफ? वो जो कहता था मैं जरदारी को लड़काना और लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा, वो जो कहता था कि मैं जरदारी का पेट पाड़ के अंदर से सारा हराम का माल निकालूंगा, उस शहबाज शरीफ को बचाने के लिए आप कर रहे हैं। जरदारी साहब को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि जरदारी साहब इस वक्त अंध आता है, पीपल्स पार्टी के अपनी पार्टी के होली सोली इंचार्ज हैं, वो मे भी लतीफ़ कोसा को पार्टी को से निकाल दें, रज़ा रब्बानी को निकाल दें, एतज़ाज़ अहसन को निकाल दें, जिस तरह नवाज खोखर को निकाल दिया है, शायद दो चार और को निकाल दें, लेकिन वो उस वक्त तक पीपल इसका शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें पूरा यकीन नहीं हो जाएगा कि हाँ वाकई मुस्लिम लीग वर्सेस पीटीआई लड़ लड़ के इन दोनों की एनर्जीज इतनी खत्म हो चुकी हैं कि अब ये दोनों पहलवान उठने के काबिल नहीं है, अब मैं और मेरा बेटा अकेले हैं और अब अगला इलेक्शन हमारे हाथ में है। वो अपने उस दाव पे हैं, अपनी स्कीम पे हैं और अभी तक कामयाब हैं जरदारी साहब, लेकिन जो नुकसान हो रहा है पीपल्स पार्टी को आइडियोलॉजिकली, जो पाकिस्तान में लोग समझते थे और या इंटरनेशनली फॉर एग्जाम्पल बाहर की दुनिया वाले भी यही समझते थे कि पाकिस्तान में अगर कोई पोलिटिकल पार्टी है जो वाकई इंसानी हकूक के हवाले से या इस तरह की डेमोक्रेसी के हवाले से कोई बात कर सकती है, आज वो खामोश है। खामोश है तो जाहिर है उनका ग्राफ वहाँ खराब हो रहा होगा, लेकिन जरदारी साहब को इसकी कोई परवाह नहीं है कि हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लेकिन प्लानिंग इनकी यही है जरदारी साहब की कि ये दोनों लड़ते रहे नून लीग और पीटीआई, और एक टाइम आए कि इन दोनों की एनर्जीज खत्म हो जाए आपस में लड़ लड़ के, तो उसके बाद फिर मेरे चांसेस होंगे। जी सही। जब आप सारी ये बात कर रहे हैं तो आज़ाद कश्मीर में ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन जीतने वाले पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर, मैंने बल्कि आज वो वीडियो आउट सरफेस भी कर रही है, ज़िया कमर के वालिद साहब ने एक बयानिया दिया वेरी स्ट्रेंज, और उसमें कोट अन कोट्स में आपने भी शायद ज़रूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो हमारी हिफाजत ना करते तो आज पता नहीं क्या होता, और हमारे जो हाफिज़ साहब हैं, हमारी आर्मी के जो चीफ़ कुरान के हाफिज़ हैं, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और उन्होंने हमें बचा लिया, अगर वो हमारी जीतने में मदद ना करते तो फिर ये इलेक्शन तो गया था हाथ में। अब ये वीडियो एक भी नहीं चार लोग वहाँ पे खड़े हुए बना रहे हैं, तो ये तो उन्होंने बड़ी जेपडाइज कर दी उनकी पोजीशन को, जनाब जो ज़िया कमर साहब हैं उनके वालिद साहब ने, ज़िया कमर के वालिद ने, जिसमें डायरेक्ट उन्होंने कहा कि आर्मी ने हमको रेस्क्यू किया और ये इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें हमें सीट दिलवाई है, क्या फरमाएंगे? अच्छा ये अल्लाह ताला के काम होते हैं ना, हम ये जो कहते हैं ना कि हर बंदे ने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है, जिसे सिविलाइज्ड कंट्रीज में तो सिटी जर्नलिज्म कहते हैं, ये सिटी जर्नलिज्म का कमाल है कि हर बंदे ने हर जगह कैमरा उठाया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से कोई मुंह से गलत बात निकल जाती है, जो बाद में बाहर तो वो अपने तौर पर सही बात कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में प्रूफ होता है कि वो गलत बात थी, उन्होंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, अपने जीते हुए बेटे की जो जीत थी उसे मशकूक कर दिया उन्होंने। ये प्रैक्टिकली हुआ है क्योंकि वहां से जितनी रिपोर्ट्स आ रही थी वहां से ये रिपोर्ट मिल रही थी कि मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मन्हास जीत रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि हमारे 10,000 वोट हमारे 10,000 वोटों के साथ हाथ हो गया है। पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारे तो लोगों को अंदर बैठने ही नहीं दिया गया, हमारे बंदों को तो अंदर से मार के बाहर निकाल दिया गया पोलिंग स्टेशन से। अब पीटीआई वाले अपनी जगह रो रहे हैं, पीटीआई के कैंडिडेट ने तकरीबन 5-6,000 वोट लिए हैं, मुश्ताक मन्हास ने तकरीबन 22,000 वोट लिए हैं, और जीतने वाले ने 25-26,000 वोट लिए हैं। तो रो पीटीआई वाले भी वहां रहे हैं, नून लीग वाले रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो रिहर्सल की थी धांधली की, वो रिहर्सल उनकी बहुत कामयाब रही। पीपल्स पार्टी ने दो रिहर्सल्स किए हैं, एक आज़ाद कश्मीर के इस बाग वाले इलेक्शन में कि हमने किस तरह आइंदा इलेक्शन में धांधली करनी है और किस तरह हमने करना है मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुनों के साथ और उनके कैंडिडेट्स के साथ क्या सलूक करना है, ये इनकी कामयाब रिहर्सल थी। दूसरी रिहर्सल उन्होंने कराची की बल्दियाती इंतखाबात में, आप देखें बल्दियाती इंतखाबात होने से पहले जो सर्वेज आ रहे थे उसमें पहले के सर्वेज में पहले नंबर पर पीटीआई थी, दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी थी और तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी, लेकिन और एमक्यूएम को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपने ही बंदे एमक्यूएम में डाल के और एमक्यूएम वालों से बाइकाट करा दिया, तो एक फोर्स को तो उन्होंने पहले ही आउट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया इलेक्शन से, वो बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं लड़े। जब इलेक्शन हुआ तो फिर इन्होंने अपनी रवायती जो धांधली उसकी प्रैक्टिस वहाँ रिहर्सल शुरू की, और वो कामयाब रिहर्सल उन्होंने इस तरह की कि वो तीसरे नंबर से पहले नंबर पर आ गए, और जो पहले नंबर वाले थे वो तीसरे नंबर पर चले गए पीटीआई, और जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर रह गई। अब इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जब चेयरमैनशिप की बात आई तो ऑब्वियसली वहाँ क्योंकि पीपल्स पार्टी एक ना पीटीआई से उनका सलूक बनता है वहाँ सिंध असेंबली में और ना उनका कोई है, और कराची में तो वो जमात इस्लामी को अपना राइवल समझते हैं, तो जमात इस्लामी का राइवल उनकी पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं बनना था और पीटीआई के साथ भी नहीं बनना था, ऑटोमेटिकली पीटीआई और जमात इस्लामी ने इकट्ठे होना था, जमात इस्लामी और पीटीआई इकट्ठे हो गए, लेकिन
पहले दिन से सईद गनी साहब और जितने इनके वहाँ कराची में लीडर हैं वो पहले दिन से कह रहे थे कि जब मेयर बनेगा कराची का तो फिर पता चलेगा, मेयर तो हमारा ही बनेगा। नंबर्स देखें तो 193 वोट बनते हैं पीटीआई और जमा इस्लामी के, और इनके बनते हैं 155 मुस्लिम लीग नून के, मौलाना फजल रहमान ग्रुप और इनके पीपल्स पार्टी के मिला के। पीडीएम के 155 हैं और जमात इस्लामी और पीटीआई के 193 हैं। ऑन पेपर्स तो जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान साहब कराची के मेयर बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने बनना नहीं है, जो हालात हैं अभी इन्होंने पीटीआई के अंदर दो ग्रुप बना लिए हैं, उन्होंने एक अलग बैठ गए हैं। हालांकि इसके बावजूद पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। आप जब उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, जो 14 आपके चेयरमैन हैं यूसीज के, उस वक्त तक तो चेयरमैन इनका बन चुका, मेयर बन चुका होगा कराची का मुर्तजा वहाब, फौजिया वहाब के साहबजादे, और वो इलेक्टेड चेयरमैन भी नहीं है। अब हाफिज नईम रहमान साहब कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि कोर्ट्स भी हमारी पता नहीं उन्हें कहाँ से जाते जाते उनका जंग उतर जाता है, और जाते जाते दोबारा जंग लग जाता है, और ऐसा जंग लगता है कि फिर वो बिल्कुल मुसलसल लंबी चुप साध लेते हैं। तो इस वक्त हमारी अदलिया भी शायद हाफिज नईम रहमान साहब का हाथ ना पकड़े, और कराची में ये दूसरी प्रैक्टिस कर रहे हैं जरदारी साहब। ये एक्चुअली बताना चाहते हैं मुख्तदर हलकों को, देखें भाई होक कर क्रोक हमारी कैपेबिलिटी है, अगला इलेक्शन हमें दें, हम अगले इलेक्शन में सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में, फेडरल में, इस्लामाबाद में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, क्योंकि हमें धांधली, धौंस और इस तरह की जितनी करनी होती हैं वो सारे तरीके हमें आते हैं। हमने एक आपको नक्शा बाग आजाद कश्मीर के इलेक्शन में दिखा दिया, दूसरा नक्शा हमने अपने कराची के बल्दियाती इंतखाबात में आपको दिखा दिया, तीसरा नक्शा हम कराची का मेयर अपना बनवा के आपको दिखा देंगे कि हम आपकी मर्जी के नताइज देंगे, और उस नताइज में सिर्फ आपको इस तरह हमारे सर पे हाथ रखना होगा जिस तरह बाग से जीतने वाले साहब ने कहा। जनाब नईम साहब जमात इस्लामी से उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया 22 सीटों के ऊपर जब इलेक्शन हुआ था, फिर धांधली उसमें इलेक्शन हुई जिसका जिक्र जनाब फयाज बिलाना साहब ने किया। वेरी सैड, मेरा गम सिर्फ ये है कि मुस्तकबिल में लोगों के दिल से इस मुल्क का अदालती निज़ाम, हमारे जो वो हैं, और आप कितने लोगों को पकड़ धकड़ के एक्स्ट्रा डाइट करवा लेंगे। सर इसकी भी हमने ज़िक्र कर लिया, पाकिस्तान का अगर मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ तो आपका क्या ख्याल है कि इस बयानिए के बाद मुस्लिम लीग विल नेवर फॉरगिव पीपल्स पार्टी, तो डू यू थिंक के विच डायरेक्शन दे आर गोइंग, क्योंकि इसका मकसद है इनको तो साफ पता चलता चला जा रहा है कि अगर इलेक्शनेबल तो होने नहीं, अगर होने ही होने हैं तो पीपल्स पार्टी विल विन, और जनाब फजल रहमान साहब और मुस्लिम लीग डू यू थिंक कि वो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बयानिया अरफा बाजी बहुत बड़ा अजाब होता है, बयानिया लोग बना तो लेते हैं, बयानिया को कैरी करना मुश्किल होता है। आप देखें ना, इस वक्त हमारे पिंडी बॉयज जो हैं, हमारे मुक्तदर हलके जो हैं, हमारी जो लोग फैसला साज हैं, उनके बारे में आप देखें, उनके लिए कितना बड़ा ये अलमिया है कि हमेशा राइट विंग के वो सर पे हाथ रखते रहे हैं, और राइट विंग था अपने मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब को किस गमले से उन्होंने उनका बीज बोया, कहाँ से उन्हें उठाया, और कितना बड़ा तनावर दरख्त बना दिया, और बिल आखिर वो दरख्त जो है वो इनके खिलाफ ही बोलना शुरू हो गया। इन्हें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक और राइट विंग का एक बंदा ले लिया, और वो इमरान खान है। राइट विंग के इस दूसरे इमरान खान को भी वो लेके आए, पूरी इसकी आबियारी की, और अब आज पता चला कि ये भी जो है बागी हो गया है, ये भी हमारे खिलाफ बोल रहा है। अब राइट विंग टोटली आपके खिलाफ हो चुका है, तीसरा राइट विंग और है कोई नहीं, तीसरा राइट विंग एक और आ रहा है, उसको लाया जा रहा है, उस पर बड़े अरसे से उस पर मेहनत हो रही थी। अभी वो लाहौर से, कराची से चले थे, गुजरांवाला पहुंच गए हैं, और अब शायद मुज़ाकरात का सिलसिला तेज़ हो जाएगा उनके साथ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों के साथ। और आप देखें कि जो बयानिए की लड़ाई है वो इस वक्त अगर कोई कामयाबी से बंदा चला तो रहा है, झोंकने वाली बात है, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, ये हम अपनी एनर्जीज, अपना पैसा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन मुख्तलिफ तजर्बात में। हालांकि हमारे मुक्तदर हल्के जो हैं, जो फैसला साज कुवतें हैं, जो हमारे पिंडी बॉयज हैं, जो हमारे ब्लू आइड बॉयज हैं, हमारे सब के चहेते लाडले और हमारे सर के आंखों का ठंडक और सर का ताज, उन्हें समझना चाहिए कि अगर उन्हें कोई कहता है कि आप ए पोलिटिकल हो जाएं, प्लीज गो बैक टू बैरक्स, तो वो उनके फायदे के लिए कहता है। अगर वो बैरक्स में वापस चले जाएं, और अगर वहां से भी उन्हें कोई उनकी सलाह मशवरा वो उनसे कोई लेता है, तो वो कहें कि इट लीव इट अप टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि लोग क्या चाहते हैं। अगर लोगों पर फैसला छोड़ें, लोग राइट को लेके आए, लेफ्ट को लेके आए, ए को लेके आए, बी को लेके आए, सी को लेके आए, तहरीक लब्बैक वालों को लेके आए, या उससे नीली पीली सब्ज जामनी पगड़ियों वालों को लेके आए, जिसको मर्जी ले आए, आप पे बात नहीं आएगी। आप अपने ऊपर बात क्यों लेते हो? राइट विंग सारा आप तकरीबन अपने हाथ से खो चुके हो, इस वक्त राइट विंग सारा आपके खिलाफ है। जो लेफ्ट विंग था, लेफ्ट विंग में कौन था?
पीपल्स पार्टी थी, अवामी नेशनल पार्टी थी, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी थी, पाकिस्तान कौमी पार्टी थी शेरपा वाली, ये लोग थे लेफ्ट वाले, या कराची में जीडीए वाले थे, या जीडीए से भी, जीडीए तो अभी बनाया उसमें वो अयाज पलीजो, लतीफ़ पलीजो और वो जे सिंध वाले और वो लोग थे, ये लेफ्ट वाले थे। इन लेफ्ट वाले तो पहले ही आपके खिलाफ थे, और आसमान जहांगीर और आयशा सिद्दीकी की किताबें और उनके बयानात और बाचा खान के अकवाल और वो सारे लेके चलने वाले थे, वो आपके खिलाफ थे। राइट में आपने एक मियां नवाज शरीफ को ग्रो किया, एक आपने इसको इमरान खान को किया, वो दोनों भी आज आपके खिलाफ हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर वक्ती तौर पर आपकी बात मान रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें नज़र ये आता है, एक तो उनके भाई की गवर्नमेंट है, एक आपके साथ हाथ मिला के चलने से वक्ती तौर पर उन्हें यह फायदा हुआ है कि सारे केसेस वेसेस खत्म करा दिए हैं, अपने समझी को भेज दिया है, उसके घर बार बाजियाब हो गए हैं, उसके केसेस खत्म हो गए हैं, थोड़ा सा उन्होंने अपना इकतदार का जो है वो मज़ा ले लिया है, और आइंदा उन्हें उम्मीद है कि शायद उनकी माफ़ी हो जाए और वो वापस पाकिस्तान आ जाएँ और दोबारा इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएँ और चौथी दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएँ। अगर चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म ना बन सके, उनकी साहबज़ादी बन जाएगी, साहबज़ादी ना बनी आगे चल के उनका नवासा बन जाएगा, क्योंकि हम तो गुलाम इब्ने गुलाम, हम तो इन दो तीन खानदानों के गुलाम बन के रह गए हैं पाकिस्तान की अवाम। उनकी ख्वाहिश यह है कि मैं मुसलसल पाकिस्तान की अवाम को अपना गुलाम बना के रखूंगा और बाई हुक कर क्रुक बयानिए शानिए को छोड़ो, जिस तरह भी होता है बस इकतदार में रहना चाहिए, क्योंकि इकतदार में रहते हैं तो हमारे सारे कामों पर भी पर्दा पड़ा रहता है और हमारे सारे धंधे भी चलते रहते हैं। इकतदार से जो ही निकलते हैं तो फिर कोई इधर से नैब वाला आ जाता है, कोई एंटी करप्शन वाला आ जाता है, कोई इमरान खान आ जाता है, कोई बयानिए वाला आ जाता है, कोई और कोई तंजीम तहरीक आ जाती है, तो वो उनके लिए नुकसानदेह है। लेकिन बयानिया इनके गले में भी फंसा हुआ है हमारे मुख्तदर हलकों के भी, कि वो किस पे हाथ रखें और किस पे ना रखें। अदम एतमाद का एक अजीब फुकदान का सिलसिला है। अब देखें इमरान खान के खिलाफ 150-200 केसेज हैं, अब शायद कोई उन्होंने ये तय किया है, क्योंकि इमरान खान के विंग्स तो हमने सारे क्लिप कर दिए हैं, सारे विंग्स वगैरह, क्योंकि पार्टी को जितनी हमने तोड़फोड़ करनी थी कर ली, इससे मजीद अब शायद तोड़फोड़ की गुंजाइश नहीं है। पार्टी वर्कर्स जो इन्होंने पकड़े थे तकरीबन 10,000 में से 6-7,000 रिलीज हो गए हैं, बाकी हो रहे हैं, आइंदा 2-4 दिनों में हो जाएंगे। और जमान पार्क के बाहर जो मेला था वो भी खत्म हो गया है, और जो गुफरा गोगी जैसे केसेस थे वो भी ज्यादा मिच्योर हो रहे हैं। अब शायद वहां ये फैसला हो रहा है कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन इस दौरान आप देखें, अभी आज वाशिंगटन डीसी में वहाँ हमारे जहांजेब अली हैं रिपोर्टर इस्लामाबाद से, उन्होंने पूछा जब उनके तर्जमान से, अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जमान से, तो उसने कहा कि यस वी आर इन टच विद ऑल स्टेक होल्डर्स, और हमें पता है वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से क्या हो रहा है, और हम वहाँ, ये नहीं उन्होंने कहा रोकने की कोई बात नहीं कि या रोका जाए इसे या ना किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इंसानी हकूक और जमहूरी आज़ादियों और शख्सी आज़ादियों और बुनियादी इंसानी हकूक पे हम जो है जोर देते हैं, लेकिन आगे चल के अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हारून रशीद साहब जो मारूफ कॉलमिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं और इमरान खान के ज़ाती दोस्त भी हैं, उन्होंने जिस तरह दावा किया है कि इमरान खान का मोहम्मद बिन सलमान से रबता है, अगर वाकई मोहम्मद बिन सलमान का रबता है और मोहम्मद बिन सलमान ही इस वक्त हमारी गवर्नमेंट की पहली और आखिरी उम्मीद है, क्योंकि IMF ने तो जवाब दे दिया है, IMF ने इन्हें कहा था कि आप मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेके आए, ये सियासी इस्तेहकाम नहीं लेके आए, इन्होंने पूरी तरीके इस्तेहकाम पार्टी जो है पूरी पार्टी बना दी है इस्तेहकाम की। इन्होंने कहा कि जनाब MD IMF ने कहा था सियासी इस्तेहकाम, तो इन्होंने कहा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी दे दें उन्हें, तो ये तो IMF को ये गैर संजीदा ले रहे हैं और IMF इन्हें गैर संजीदा ले रही है, और IMF ने उस वक्त तक पैसे नहीं देने जब तक कोई दोस्त मुल्क पैसे नहीं देगा, और दोस्त ममालिक में पहल करेगा तो वो सऊदीया ही करेगा, और अगर वाकई इमरान खान का मोहम्मद बिन सलमान से रबता है और मोहम्मद बिन सलमान अगर इमरान खान के साथ रबते में है तो मोहम्मद बिन सलमान ने इन्हें रोकना है कि ये जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब ये टेस्ट वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसकी कोई तुक नहीं बनती थी। अगर वाकई इमरान खान ने इस तरह का एक बयान आपको दे दिया है जिसमें आप समझती हैं कि वो बहुत कमजोर बयान दिया है इमरान खान ने और GITU उसे अरेस्ट कर सकती है, तो फिर अरेस्ट कर लें। वो सिर्फ वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं कि हम अगर इस तरफ बढ़ें तो अमेरिका क्या कहेगा, सऊदी अरब क्या कहेगा, चाइना क्या कहेगा, टर्की क्या कहेगा, और इमरान खान का अगर कोई और महातीर मोहम्मद या कोई और भी दुनिया में उसका कोई दोस्त है तो वो क्या कहेंगे। ये वाटर टेस्टिंग हो रही है और पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहेगी। बेसिकली फैसला उन्होंने कर लिया है कि इमरान खान को अरेस्ट करना है, लेकिन इमरान खान जिसको हम अभी तक हमने जो समझा है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक समझ तो वो किसी की समझ में आया तो है नहीं, वो है क्या मिस्ट्री, क्योंकि इतना जितना प्रेशर इमरान खान पे है इतना प्रेशर पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही किसी पॉलिटिशियन पे आया हो। इतना प्रेशर किसी पे होता, हाँ जुल्फकार अली भुट्टो पे था, लेकिन उस बंदे ने प्रेशर बर्दाश्त किया और अपनी जान कमाई। अगर किसी और पे होता तो शायद वो हफ्ता ना निकालता और उसने एग्रीमेंट करके सरूर पैलेस जद्दा पहुंचा हुआ होना था। इमरान खान अभी तक स्टैंड कर रहा है
मेरे ख्याल में तो जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो अपनी मीटिंग हुई है उसमें भी शायद ये दोनों ने ये तय कर लिया है, इमरान खान ने शायद बात ही यहाँ से स्टार्ट की हो कि व्हाट नेक्स्ट कि क्या मैक्सिमम ये क्या कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा होगा कि आपके खिलाफ केसेस बनेंगे, आप पे इल्ज़ाम लगेगा, आप जुर्म साबित होगा, आपको सज़ा मिलेगी। इमरान खान ने पूछा होगा कितने साल की सज़ा है, मे भी उसे बताया गया हो उम्र कैद की है, उम्र कैद कितनी होती है, 25 साल की होती है, दिन रात मिला के कितने साल की होती है, 12 साल की होती है, छुट्टियां और दरमियान में गुड कंडक्ट काट दें तो 8-9 साल की होती है। तो इमरान खान ने मे भी कहा हो कि हाँ मैं इतनी सज़ा जो है वो भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं अंदर चला जाऊँ तो पार्टी जीत जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा होगा कि बिल्कुल आप अंदर जाएंगे तो पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि लोग ये मान जाएंगे कि हमारा लीडर भागा नहीं है, खड़ा हो गया। ये पाकिस्तान के लोगों की साइकी है कि वो उसको पसंद करते हैं जो खड़ा हो जाता है, जो भागता है उसको पसंद नहीं करते, उसे फिर बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं वापस आने के लिए। मे भी इन दोनों ने ये तय कर लिया हो। जो लोग तवक्को करते हैं ना कि शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे या शाह महमूद कुरैशी ये कर देगा या वो कर देगा, मेरे ख्याल में वो गलत है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त विन विन सिचुएशन में है, हर सूरत में उसकी कामयाबी है। अगर इमरान खान जेल भी चला जाता है फिर भी पार्टी किसने संभालनी है, शाह महमूद कुरैशी ने संभालनी है। अगर इमरान खान साइड पे हो जाता है, एग्रीमेंट डील कर लेता है, फिर भी पार्टी किसने संभालनी है, शाह महमूद कुरैशी ने संभालनी है। इमरान कुछ भी हो जाए इमरान खान के इशू का और 9 मई के इस वाकयात के नतीजा और सजा जजा जो भी हो जाए, हर सूरत पार्टी शाह महमूद कुरैशी की गोद में ही आती है। इसलिए शाह महमूद कुरैशी को पार्टी से रिजाइन करके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसे तो सिर्फ वेट एंड सी की पॉलिसी पे अमल करना है और वो उसी पे अमल कर रहा है। और शाह महमूद कुरैशी अगर वाकई पार्टी जिस हालत में भी उसे मिल गई और ये लोग जो हैं मोहम्मद अली मोहम्मद खान या मुराद सईद या दूसरे फरोख हबीब, एक बहुत लंबी लिस्ट है पूरे पेशावर से लेकर कराची तक, बहुत लंबी लिस्ट है अभी भी उनके साथ जो लोग खड़े हैं, अगर ये लोग चंद लोग भी उसके साथ शाह महमूद कुरैशी के साथ खड़े रहे और इलेक्शन में वो अपने कैंडिडेट खड़े करने में कामयाब हो गए, क्योंकि अगर इमरान खान को सजा देंगे तो दूसरी तरफ ये उसे उनकी पार्टी को रिलीज कुछ ना कुछ रिलीफ भी देना पड़ेगा। आप इस तरह नहीं कर सकते कि लोगों के जज्बात एक तरफ आप इस हद तक हर्ट कर दें और दूसरी तरफ आप उनसे पानी भी ना पूछें। उनसे पानी पूछा जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि आप रूह अफजा लेंगे, जामे शीरी लेंगे या कुछ और लेंगे, तो वो उनसे पूछ के उन्हें पेश किया जाएगा और वो पेश करना ये होगा कि उन्हें उनकी पार्टी को किसी भी सूरत में, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद कट टू साइज करने के लिए इसके नाम पे पाबंदी लगा दें, लेकिन किसी नए नाम से आ जाएंगे शाह महमूद कुरैशी अपनी टीम को लेकर, और उनकी पार्टी अगर इलेक्शन में वो आ गए खड़े हो गए तो पाकिस्तान के आवाम ने उन्हें वोट फिर दे देने। जी सही, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है आपका क्या ख्याल है? मैं ये आपसे एक मुख्तलिफ से अल्फाज में अगर आप मुझे बताएं कि मियां साहब और इनके दरमियान आपस में पीडीएम में झगड़ा हो गया, डू यू थिंक बिफोर इलेक्शन ये पीडीएम टूट फूट का शिकार हो जाएगी? नहीं, पीडीएम को पहले समझने की कोशिश करें। पीडीएम है मौलाना फजल रहमान साहब सदर हैं उसके और सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून का है। पीडीएम यहाँ से ही शुरू होती है मौलाना फजल रहमान से और नून लीग पे ख़त्म हो जाती है। बाकी जो पार्टियाँ हैं उनके नाम भी कोई नहीं जानता। पीडीएम में शामिल नहीं है दो बड़ी पार्टियां, एक अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये पीडीएम से निकल गए थे उसूली इख्तलाफ करके और ये दोबारा पीडीएम में शामिल नहीं हुए थे। इन्होंने इत्तेहाद किया था, सपोर्ट का ऐलान किया था, वोट दिए थे और हुकूमत में शामिल हो गया एज इत्तेहादी। ये पीडीएम का हिस्सा नहीं है, इस वक्त पीडीएम के अहदेदार नहीं है जरदारी साहब और अवामी नेशनल पार्टी वाले। इसलिए टूट फूट इनके इत्तेहाद में होनी है, हुकूमती इत्तेहाद में, और इनका इत्तेहाद उस वक्त तक है जब तक ये हुकूमत में है। कल असेंबली टूट जाए या 13 अगस्त को अपना पूरा टाइम पूरा करके हो जाए, और इनकी कोशिश है कि 13 अगस्त से दो दिन पहले हम असेंबलियां तोड़ दें ताकि असेंबलियां तोड़ने की वजह से इन्हें 90 दिन मिल जाएंगे। असेंबली अगर अपना पूरा टेन्योर पूरा करे तो 60 दिन में इलेक्शन कराने होते हैं, और इनकी कोशिश है कि जितना लेट करें इतना बेहतर है, क्योंकि जितना लेट करेंगे इतना हम ज्यादा तोड़ फोड़ पर काम कर लेंगे, इतने ज्यादा हम मैनेज कर लेंगे चीज़ें। लेकिन अल्लाह के काम अल्लाह के होते हैं, आप जितना मैनेज करते हैं इतने चार ज्यादा लोग इमरान खान के साथ जुड़ते हैं, इतने ज्यादा लोग पीटीआई की तरफ टिल्टेड होते हैं, इतने ज्यादा वोट उसके बढ़ रहे हैं। आप सर्वेस देख लें, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं एक पार्टी के खिलाफ। आप इंतकामी कार्रवाई किसी छोटी सी छोटी पार्टी पे किसी पे भी करेंगे, कुदरती बात है हमारी आवाम की भी और दुनिया भर में भी कि लोग मजलूम के साथ होते हैं, लोगों को नजर आ रहा होता है जुल्म है। अब इससे बड़ा जुल्म और क्या है कि एक बंदे पे कातराना हमला हुआ है, उसकी गोलियां लगी हैं, उसने कोई बेचारे ने 4 महीने प्लस्तर पता नहीं चढ़ाना जरूरी था या नहीं था लेकिन उसने चढ़ाए रखा और पूरी दुनिया ने देखा, और उसके साथ बाकी लोग जो जख्मी हुए 36 लोग जख्मी हुए और उस जो उस दिन वाकया हुआ उस पर तो हमला हुआ ना, उसकी तहकीक नहीं हो रही कि उस पर हमला किसने किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ। उससे ये पूछा जा रहा है कि उस हमले के नतीजे में जो तुमने इल्ज़ाम लगाया था इधर आओ उस इल्ज़ाम का सबूत दो।
असल वाकया जो हुआ है कातराना हमले का, उसकी तहकीक कहाँ है किसी को नहीं खबर, लेकिन उसने जो इल्ज़ाम लगाया कि फलां फलां मुझे मारना चाहते हैं, उसकी तफ्तीश हो रही है कि हाँ जी बताएं जी आपने ये क्यों कहा था, सबूत दें आप उसके, इससे बड़ा और मजाक क्या होगा हमारे मुल्क में। जी बहुत शुक्रिया सर। मैं अगर पीछे की तरफ जाती हूँ, यानी वो इदारे गलतियाँ, आज बड़ा खूबसूरत एक कॉलम है वसुतुल्ला खान का कि पुतला साजी की जाती है, मुजस्मा तैयार किया जाता है, फिर उसमें रूह फूंकी जाती है और फिर वो अपनी जब मर्ज़ी करना शुरू कर देता है पुतला, तो फिर उसके हिस्से बखरे करने जाते हैं, जिसमें ही स्टार्टेड फ्राम के भुट्टो साहब की पार्टी को तोड़ने के बाद MQM बनाई गई, MQM के पुतले में जब जान पड़ी, जहाँ उसने आँखें दिखानी शुरू की, तो MQM के पुतले को भी उन्होंने और तरह की पार्टियों में, आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल और ये वो सारे अलग होके इन्होंने अपनी अपनी जैली पार्टियां बनाई थी, पीपल्स पार्टी में भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई थी, मुस्लिम लीग नून को भी अगर देखते हैं तो उसको भी 4-5 हिस्सों में आज तक तकसीम किया और अब तकसीम किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को। और ओन चौधरी पहले इमरान खान साहब की गोद में थे, अभी पिछले दिनों ही वॉज देयर इन अमेरिका, जनाब मियां साहब की गोद में बैठे हुए थे और नाउ ही इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इस्तेहकाम पार्टी, उनको बल्कि पोजीशन भी दिया मियां मीडिया स्पोक्स पर्सन का, मगर उन्होंने कोई अपनी पोजीशन नहीं बताई, उन्होंने जो ये खान साहब हैं आपके समा टीवी वाले उनकी पोजीशन भी बता दी है, बाकी लोगों की बताई, अपनी पोजीशन नहीं बताई। तो जिस दिन इस पुतले में जान पड़ गई, तो आपका ख्याल है कि इदारों ने फिर बाज नहीं आना, इसकी जगह पे भी कोई और नई जगह बना दी जाएगी या नई पार्टी बनाई जाएगी? अच्छा, पुतले बनाने पे भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, पुतलों में जान डालने पे भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कोई जान तो डाले ना, कोई फिर बर्दाश्त तो करें ना, कोई उसूल तो तय करें, कोई कायदा कोई ज़ाब्ता तो हो ना। आप उस बंदे को लीडर बना रहे हैं जो नाअहल है सियासत में, अमली सियासत में हिस्सा लेने पे उस पर पाबंदी है, वो किसी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, वो किसी अवामी ओहदे के अहल नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, आपने उसको उस पार्टी का सरबराह बनाया है सिर्फ इस वजह से कि उसके पास अपना जहाज है, उसके पास पैसा है, वो खर्चना चाहता है, और इस वजह से कि वो एक इंतकाम के जज्बे से भरा हुआ है, वो इमरान खान के खिलाफ जो है अपने रिवेंज एक रिवेंजफुल उसमें मूड में है, तो आप उसे यूज़ करना चाहते हैं। इससे ज्यादा और यूज करने की बड़ी एग्जाम्पल या बड़ी आपकी क्या होगी कि आपने बंदा ही वो चुना जिसका बाकायदा इमरान खान के साथ एक दुश्मनी की हद तक है कि इमरान खान ने जब वो चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो इमरान खान ने कहा था कि नहीं मुझे अफसोस हुआ है कि आप इसमें बैठे हुए थे, मैं समझता था कि आप इस चीनी के कारोबार को समझते हैं और आप की मौजूदगी में कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये रिपोर्ट तो ये बता रही है कि शायद आप शामिल थे या आप खामोश थे, आपका खामोश रहना भी शामिल ही है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि हमारी हुकूमत पे इतना बड़ा इल्ज़ाम आ रहा है कि चीनी का ये इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल आ गया, चाहे उसमें जहांगीर तरीन थे या नहीं थे, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं तो आप पे तकिया करके बैठा हुआ था कि चीनी में तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि आपसे बेहतर तो चीनी को कोई समझता ही नहीं है और आप खुद इसमें हैं और आप ये सारे लोग जितने चीनी मिल ओनर्स थे आप सारे इस लोग से अरबों रुपये का फ़ायदा उठा रहे थे और कौम को और अवाम को और हमारी हुकूमत को जो है वो नुकसान हो रहा था, तो उस गुस्से की वजह से इमरान खान वो खामोशी से बैठे होते और अब उन्हें जो ही मौका मिला वो पार्टी बना के आ गए, अब पार्टी के बाकायदा रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने दरख्वास्त दे दिया, लेकिन वो अपने नाम से ना दरख्वास्त दे सकते हैं ना उन्होंने दी है। और जहां तक बात है अलीम खान की, अलीम खान पे लैंड ग्रैबर का एग्जाम लगाते रहे हैं कि जी ये कब्जा माफिया है, ये है वो है, ये सारे PDM वाले और मुस्लिम लीग नून वाले, और अब वो उसी के साथ जो है दस्तों गरीबां हो रहे हैं, उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं और वो सीट एडजस्टमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो अलीम खान साहब कैसे एज ए प्रेसिडेंट उस पार्टी को आगे चलाएंगे, जबकि उनके शख्सियत के बारे में उन्होंने जो चैनल लिया, उस चैनल जो इस तरह रातों रात बदला, वहाँ से पुराने एंकर निकल गए क्योंकि उनकी मर्जी के प्रोग्राम नहीं करते थे, जिन्होंने उनके मर्जी के प्रोग्राम करने थे वो दूसरे चैनल से वहाँ आ गए और वो उन्होंने एक सिलसिला शुरू कर दिया, तो वो उनके लिए अलीम खान साहब के लिए भी मुश्किलात हैं। अब देखिए इस पार्टी में टोटल फेसेस सामने कितने आए, जहांगीर तरीन इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अलीम खान लड़ सकते हैं लेकिन उन पर इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा हैं, इसके बावजूद चला लेंगे, सिर्फ इस वजह से चला लेंगे क्योंकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं, प्रेसिडेंट इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि उनके पास पैसा है और खर्चना भी जानते हैं, तो इसलिए प्रेसिडेंट बन गए हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट आदमी वहाँ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बनाया गया आमिर कियानी, जो पिंडी की सीट आज तक अपनी जात पर तो जीत नहीं सका, इमरान खान की वजह से एक दफ़ा जीता, अब वो दोबारा जीत भी नहीं सकता, जिसकी और जब वो सेक्रेटरी जनरल था पार्टी का, इंतहाई नापसंदीदा सेक्रेटरी जनरल था, PTI के किसी बंदे से आप पिशावर से लेकर कराची तक और इन ओवरसीज टोरंटो और न्यूयॉर्क और लंदन वालों से पूछ लें, आमिर कियानी को हेट करते थे वो लोग कि ये बंदा अजीब सा आदमी है,
मरदम बिजार सा, ये ना किसी से मिलता है ना किसी की बात सुनता है ना इसे समझ आती है, अपनी जाति पसंद और नापसंद के झगड़ों में पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा बंदा कैसे पार्टी चलाएगा? सिर्फ इस वजह से उसे सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया क्योंकि ये पीटीआई का भी सेक्रेटरी जनरल था और इसके पास सबके कॉन्टेक्ट नंबर हैं, सबके साथ रबते हैं और ईमेल एड्रेसेस हैं, और ये शायद इसने कुछ लोगों वहां मेहरबानियां की होंगी तो उन जिन पे मेहरबानियां की होंगी उनको ये खींच के इधर ले आएगा। उसने खींच के लेके आने होते तो वो पहले दिन लेके आता, अब तकरीबन महीना दो तीन हफ्ते तो हो गए, अभी तक तो अमरिकानी साहब किसी को खींच के नहीं ला सके। फिर अगला फेस उनका क्या है? फयाज चौहान है, फिर दो साक्षी कवान है, यहाँ बात खत्म हो जाती है। मजीद देख लें, फवाद चौधरी अभी तक खामोश हैं, शर्मिंदा शर्मिंदा है, अली जैदी शर्मिंदा है, इमरान इस्माइल शर्मिंदा है, अभी तक खुल के नहीं आ रहे। खुल के अगर आ रहे हैं तो तर्जमान भी जो बनाए गए हैं इसहाक हकवानी, वो पुराने दोस्त हैं जहांगीर तरीन के, इसहाक हकवानी तर्जमान बनाए गए हैं, फयाज चौहान तर्जमान बनाए गए हैं, फिरदोस अशकवान तर्जमान बनाए गए हैं, मुराद रास तर्जमान बनाए गए हैं, और यौहन चौधरी तर्जमान और एडिशनल सेक्रेटरी भी बनाए गए हैं। अब यौहन चौधरी जिनको मैं तौलिया बरदार कहता हूँ, अच्छा किया सोशल मीडिया वाले दोस्तों का कि उन्होंने अगले दिन एक तस्वीर उनकी जारी कर दी जो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हुई है कि इमरान खान हाथ धोने के बाद कुली कर रहे हैं और ये साथ जो है वो नेपकन लेके खड़े हैं उनके साथ। मैं उन्हें तौलिया बरदार इसलिए कहता था कि इमरान खान जब भी कहीं खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद और दीगर जरूरी कामों के बाद भी और पहले भी जो ही हाथ साफ करने लगते थे तो ये तौलिया लेके साथ खड़े होते थे। तो तौलिया बरदार, इमरान खान के एक तौलिया बरदार को आपने एडिशनल सेक्रेटरी बनाया है और आप इस उम्मीद पे हैं कि वो शायद पार्टी तोड़ के ले आए। तौलिया बरदार पार्टी नहीं तोड़ के लाते, तौलिया बरदार वही काम करते हैं जो उनके जिम्मे होता है, जिसकी उनकी एक्सपर्टीज होती है। उन्हें आप अपना तौलिया बरदार रख लें, आपका अच्छा काम करेंगे, लेकिन आप कहें कि एडिशनल सेक्रेटरी बन जाए और अमर कियानी का हाथ बिठाएं, वो अमर कियानी जिसके शायद घर वाले भी पांच बंदे पूरी उसकी बात ना सुनते हो। मुझे तो शक है कि अमर कियानी के अपने बच्चे भी पता नहीं अभी तक पीटीआई से के साथ हैं या अपने अब्बा जान के साथ आ गए हैं। ये लोग वो लोग हैं जो अपने हल्के नहीं जीत सकते। मुझे फिरदौस आशिक अवान पहले भी हार गई थी, अब पूरा यकीन है कि अब भी नहीं जीत सकती। फयाज चौहान पहले जीत गए थे लेकिन अब जो उन्होंने नहीं जीतेंगे, नहीं जीत सकते। तो इसलिए ये तो फेल हो गया, ये मेरा फार्मूला क्या होगा वो शायद देखना पड़ेगा। मेरा बड़ा गम के साथ आपके साथ सवाल है कि मुझे इंडिया के इलेक्शन याद आते हैं कि ओवरसीज जो इंडियंस हैं वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी को बहुत सपोर्ट करते थे, तो जब रिजल्ट्स आए थे ना तो बीजेपी जीत गई थी, तो वहाँ पर क्योंकि ज़ाहिर है 770 को सारा दिन सुनने का मौका मिलता है, तो वहाँ पर इंडिया के जो लोग थे रिहाइश इंडिया में करते हैं, ओवरसीज़ इंडियंस ने बहुत सपोर्ट किया था, आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी को। तो वहाँ पर नेटिव्स ने जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उन्होंने कहा आप लोग बाहर रहें, आपको अंदरूनी हकायक का पता नहीं, हमारी हमें हर हालत में बीजेपी को वोट देना है जिताना है, अपनी मजबूरियों का इज़हार किया था। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये जो पाकिस्तान ने तारड़ जैसा इंसान है, यानी देयर आर टाइम्स कि कुछ लोग जब मुंह खोलते हैं तो आपको पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है। आप राणा सना और मैं आई डोंट वांट टू डिस्क्रेस देम, देयर आर पीपल जो उनसे मोहब्बत करते हैं और इश्क़ी हद तक मोहब्बत करते हैं। राणा सनाउल्ला, आप मरियम औरंगज़ेब की बात को देख लें, आप ख्वाजा आसिफ की बात को देख लें, यानी वो जब झूठ बोलते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ है कि वो झूठ को सच बना के पेश करते हैं। तो ये तो सर गलती किसकी है? उन वोटर्स की जो इनको वोट दे के इंतखाब देते हैं। हालांकि अब ज़िमनी जो बाग का इलेक्शन है वो तो कोई और कहानी सुना रहा है, तो थोड़ा सा इस पर आप अपना राय दे दीजिए। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना या हम बात करते हैं, हमसे हट के आप आम किसी चौक चौराहे में चले जाएं, किसी थड़े पे चले जाएं पाकिस्तान में या यहाँ किसी अपने हार्टन पे जहाँ चार पाकिस्तानी बैठे हैं उनसे जाके आप राय ले लें, आम आदमी की जो राय है वो बहुत बदल चुकी है, अब वो सिलसिला नहीं रहा। फॉर एग्जांपल आप देखें ना, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी है हम 1,10,00,000, अब ओवरसीज पाकिस्तानी के पास तो सोशल मीडिया तकरीबन 90% के पास सोशल मीडिया है, लेकिन पाकिस्तान के जो ताज़ा तरीन अदादोशुमार हैं उसके मुताबिक तकरीबन कोई 5 से 7 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं एक मंथ में यूज करने वाले, 2 करोड़ इंस्टा पे हैं, 3 करोड़ टिकटॉक पे हैं और 1 करोड़ लिंक्डइन पे हैं। हालांकि लिंक्डइन थोड़ी सी प्रोफेशनल सर्विसेज वाली होती है, 1 करोड़ उसके भी हैं। यूट्यूब के अभी तक आधा तो शुमार मेरे पास नहीं पहुंचे। यूट्यूब भी पाकिस्तान में सबसे तेजी से मकबूल होने वाली जो सोशल मीडिया आउटलेट है वो यूट्यूब है। अब ये जो करोड़ों पाकिस्तान के लोग हैं जो जिनके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे तो आप देखें कि अपने जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी लॉन्च की तो जहांगीर तरीन साहब ने अपने पेज पे भी और अपनी पार्टी के पेज पे भी कमेंट्स ऑफ किए हुए थे इस खौफ से कि पता नहीं क्या होगा, लोग पता नहीं क्या करेंगे। फिर किसी ने उन्हें मशवरा दिया होगा कि ऑन करें, हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। उन्होंने ऑन किया तो फिर देखते ही देखते ये सूरत हाल थी
कि उसको उस पर लव करने वाले जो हैं वो तकरीबन 20,000 थे और उनको लव करने वाले वो 376 थे। अब 376 वर्सेस 20,000 जो लव कर रहे थे उनकी पार्टी के जो क्लेम्स थे उनके कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लोग लव कर रहे थे उस पर, लव का जो इमोजी दे रहे थे, और जो लव वाला इमोजी दे रहे थे वो 376 थे। इसी तरह एंग्री वाले जो थे वो तकरीबन 1,500-2,000 एंग्री वाला इमोजी दे रहे थे उन्हें। तो चीजें तो पता चल जाती हैं, आजकल के हालात में कोई चीज छुपी नहीं रहती। हाँ, इंडिया के हालात डिफरेंट इस तरह हैं कि वहाँ एक बीजेपी की तरह की लेकिन इंतहाई सख्तगीर किस्म की, हाँ हमारे यहाँ हमारे अगर कोई इस तरह की पार्टी बन जाए जो वाकई बीजेपी बन जाए, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त वो बीजेपी वाले हालात नहीं है। हमारे यहाँ मुस्लिम लीग नून वालों को भी आज़ादी है बोलने की, पीपल्स पार्टी वालों को भी आज़ादी है बोलने की, पीटीआई वालों को अभी तक आज़ादी है बोलने की, लेकिन उस तरह उनकी नहीं है आज़ादी जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद बोल रहे हैं। ये जो सर्वेज आ रहे हैं, ये जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये सर्वेज और रिपोर्ट्स की वजह है कि इमरान खान को इस वक्त जमान पार्क बाहर उसके मुहाफिज नहीं बैठे हुए। इमरान खान अकेला है, उसकी वाइफ है, 3 बहनें हैं, 2 बहनोई हैं, 1 बहनोई भी उनके साथ नहीं है, वो लोग हैं चंद लोग, और इसके अलावा तो वहाँ 2-4 मुलाजिम होंगे, 15-20 बंदे हैं उसके पास। लेकिन हमारी पूरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, बाकी जितने वहाँ मुख्तदर हलके हैं, सारे सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि इस बंदे को अरेस्ट करें तो क्या होगा, और अभी तक अरेस्ट नहीं कर पा रहे। इरादा है उनका, वो कर भी लेंगे, लेकिन जमा तफरीक में लगे हुए हैं। लेकिन क्या पता उससे पहले कोई बाहर का इमरान खान का कोई दोस्त बोल पड़े, और बाहर का जब दोस्त बोल पड़ा तो फिर शायद वो उससे पीछे हटना पड़े उन्हें, वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इमरान खान का अपना एक करिश्मा भी है, अपनी उसकी सेह भी है, अपनी उसकी एक असर व रसूख भी है अक्वामे आलम में, तो वो आसान नहीं होगा, लेकिन पर पूरे तोले जा रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया सर, आप का कद बहुत ऊंचा है, और मैं अपने दिल की बात करती हूँ, आप ही के तवस्सुल से मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि यस, अल्लाह करे कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिले, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में हम जो जमहूरियत का राग अलापते हैं और हम झूठा राग अलापते हैं कि जमहूरियत का किसी तरह से दौर दौरा उस मुल्क में हो सके। मगर मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि जहाँ पर मैं आप यहाँ पे हैं और वेस्ट की हम बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि इमरान खान साइफर की बात करते हैं, बिच अमेरिका ऑलवेज़ मदाखलत करता है, उन्होंने ख़ुद इस बारे में कहा है कि वो रजीम चेंज करते हैं। हम अगर उसकी मुखालफत करते हैं तो मैं इस बात की भी मुखालफत करती हूँ कि पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी के लीडर्स लाने के लिए, हमको पाकिस्तान को डिस्ग्रेस करने के लिए, अपनी मर्ज़ी के लोगों की हुक्मरानी के लिए हमें पाकिस्तान को डिस्ग्रेस नहीं करना चाहिए। ज़ल्म खलील है तो वो पाकिस्तान में जी, अब हुकूक़ इंसानी, तो फिर कादियानी बिल्कुल सही थे ना, फिर क्रिश्चियंस बिल्कुल सही थे ना जो ये कहते थे कि मतलब ये गलत कवानीन हैं वहाँ के, तो हमें भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कर दीजिए। अच्छा, ये बात है, जहाँ तक आपकी बात है कि जितना मर्ज़ी है ये प्लानिंग्स करते रहें, कहीं ना कहीं से वो जिस तरह ज़ियाउल कमर बाग वाले जीतने वाले के वालिद के मुंह से बात निकल गई, अभी आज की ताज़ा तरीन बात है अमेरिका की, कि वहाँ मसूद खान जो हमारे इस वक्त एम्बेसडर हैं अमेरिका में, उनसे वहाँ रिपोर्टर्स ने पूछा कि मसूद खान साहब, रशिया से आपने पाकिस्तान ने तेल मंगवाया है तो इस पर अमरीका नाराज़ नहीं हुआ? तो मसूद खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी, अब वो कहने को तो कहते हैं जी मेरा कैरियर फॉरेन सर्विस में गुजरा है, और वाकई गुजरा भी है, रिटायर हुए हैं एज ए सेक्रेटरी खारजा के तौर पर रिटायर हुए हैं, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रेजिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के, चाइना में सफीर रहे हैं, पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ उन्होंने सफारत की है, और रिटायरमेंट के बाद वो सदर आज़ाद कश्मीर भी रहे हैं 4-5 साल, उसके बाद अब दोबारा अमरीका में सफीर लगे हैं पाकिस्तान के। इतना तजर्बे के बावजूद बंदा स्टेटमेंट क्या दे रहा है, कहते हैं जी हमने रशिया से तेल लेने से पहले अमरीका से बाकायदा इजाज़त ली थी, अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये हमारी खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं कि जी हमने अमेरिका से बाकायदा इजाजत दी थी। अब अगला रिपोर्टर भी तेज था, रिपोर्टर ने कहा कि हजूर आपने तो इजाजत दी थी, क्या बाकी लोग जो रशिया से तेल ले रहे हैं क्या वो भी बाकायदा अमेरिका से इजाजत लेके ही तेल ले रहे हैं रशिया से? इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन फंस गए हैं वो अपने जवाब में, वो जवाब अभी थोड़ी देर में वायरल हो जाएगा सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे। तो ये इन लोगों को एहसास ही नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं, और फिर शायद अल्लाह कराता है इनके मुंह से कि ये जितनी 10 प्लानिंग्स करते हैं आखिर में कोई एक इनके मुंह से गलत बात निकल जाती है, कोई एक ऐसा काम हो जाता है जिससे इनका सारी प्लानिंग फेल हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं तो अल्लाह है ना देख रहा है। ये इस तरह की जो खुलेआम धांधली हो रही है, खुलेआम ज्यादती हो रही है, आवाज़ों को दबाया जा रहा है, अब इमरान रियाज खान को आप मैं तो अब तो मुझे उनके जो लॉयर हैं मियाँ शफाक अली, उनकी भी मुझे मशकूक लग रही है पोजिशन
क्योंकि आप इमरान रियाज साहब ये कहते थे कि ये मेरा मियां इशफाक अली मेरा लॉयर ही नहीं है बल्कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और वाकई वो दोस्त थे भी। मियां इशफाक अली इतने दिनों से इमरान रियाज खान साहब मंजर से गायब हैं, उन्हें उठा लिया गया है, गायब कर दिया गया है, खामोश कर दिया गया है, कहीं उन्हें अब से भेजा में किसी ने रखा हुआ है, किसी अगवा करके ले गया है, क्या हुआ है क्या नहीं, तो उन्हें तो परेशान होना चाहिए मियां इशफाक अली साहब को। लेकिन मियां इशफाक अली साहब सोशल मीडिया पे अपनी जवानी की और अपने भले वक्तों की लंदन की सैर व तफरी की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। अगर मियां इशफाक अली साहब इतने रिलैक्स हैं और उनके अहले खाना में वालिद साहब उनके एक दो दिन आए हैं कोर्ट में और बोले हैं, बात की है, लेकिन उसके बाद मुझे खामोशी लग रही है, तो मुझे ये सारा मामला भी इस तरह लग रहा है कि शायद इमरान रियाज खान साहब को कायल कर लिया गया है कि आप जहाँ हैं यहाँ खामोशी से बैठे रहें, क्योंकि बाहर जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। हम बाहर आपको छोड़ तो दें, आपने बोलने से बाज नहीं आना, आप बोलेंगे तो हम दोबारा पकड़ लेंगे, और आप नहीं बोलेंगे तो आपको पीटीआई वाले नहीं छोड़ेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो। तो मे भी आपके लिए और हमारे लिए भी आसानी और बेहतरी यही है कि आप जहाँ हैं खामोशी से बैठे रहें, क्योंकि मकसद तो हमारा आपको खामोश करना है, हम आपको अजियत देना नहीं चाहते, आपको मारना नहीं चाहते, आपको सेकंड अर्शद शरीफ नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप बाहर जाके जो प्रोपेगंडा कर रहे हैं इमरान खान के हक में और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, ये प्रोपेगंडा ना करें। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ये मियां इशफाक अली साहब, वरना वो ऐसा बंदा नहीं है कि खाम खा अगर उसे जहनी सुकून ना होता तो वो अपनी जवानी की और अपनी लंदन यात्रा की और लंदन की सैर व तफरी की तस्वीरें ना पोस्ट करते मियां इशफाक अली साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब फैज़ वेलाना साहब, कंक्लूड कीजिएगा। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, गम की सूरत हाल है, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर ज़रूर रहे। वी आर वेरी बैडली डिवाइडेड, इतने पोलराइज्ड हैं कि आई नेवर थॉट अबाउट इट, एंड दिस इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान, अमेरिका इज़ एग्जैक्टली सेम, एंड नाउ इंग्लैंड इज़ आल्सो इन द सेम बोट, और फ्रांस भी इसी सिम्त में जा रहा है, और उसके बाद जर्मनी। बहुत शुक्रिया, आप कंक्लूड कर दीजिएगा। दो बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस्लामाबाद में, उस पर मैं हल्की सी बात करना चाहूँगा। एक ये कि राजा रियाज ने कहा है, जो अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त, कि असेंबली को तौसीह दी जा सकती है। उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब का ये आइडिया है, वो आज से कोई दो तीन महीने पहले कह चुके थे कि हम इस असेंबली को एक करारदाद के जरिए ऐसे एक्सटेंशन देंगे, क्योंकि हालात ठीक नहीं, ऊपर से आप मौसमियाती तब्दीलियों के वो सैलाब वगैरह और वो सूरत बन रही है, कुछ हल्के फुल्के आगे पीछे से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ भी जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान या बलोचिस्तान के कुछ एरियाज़ में शुरू हो गई हैं या करवाई जा रही हैं। तो फिर IMF से भी एग्रीमेंट नहीं इसीलिए किसी नतीजे पे पहुंच रहा, वो भी माशी मुश्किलात भी बतानी है। तो ये सारी मुश्किलात इकट्ठी की जा रही हैं और फिर एक करारदाद पेश करके तो इसी असम्बली को एक साल की तौसीह देने की कोशिश की जाएगी। आइनी तौर पर कानूनी तौर पर शायद उनके पास गुंजाइश हो, लेकिन बाहर कोई तासर अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन तासर की कौन परवाह करता है। ये तो इस हद तक अब हो चुके हैं, दीदा दलेरी कर चुके हैं कि अभी इस्लामाबाद में एक एड शायद आज आ चुका है या एक दो दिनों में अखबारों में आ जाएगा, इस्लामाबाद पुलिस की नाकामी का एतराफ़ इस तरह किया जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस के अंदर 200 रिटायर्ड आर्मी अफसरान हायर किए जा रहे हैं मुख्तलिफ पोस्ट के लिए, मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के लिए। उनकी उम्र की हद 42 साल होगी और वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कैप्टन या मेजर होंगे, और वो इस्लामाबाद पुलिस के साथ काम करेंगे। और आपको पता है कि अगर इस्लामाबाद पुलिस को रिटायर्ड आर्मी अफसरान के और स्पेशली उनमें SSG कमांडोज और इस तरह के लोग हायर किए जाएंगे और वो अफसरान होंगे रिटायर्ड 200, तो वो अफसरान क्या काम करेंगे। इसका मतलब है इस्लामाबाद पुलिस अमली तौर पर उनके हवाले ही कर दी जाएगी, जिनके पहले ही हवाले या बेलानिया तौर पर उनके हवाले कर दी जाएगी। तो ये बड़ी दो खतरनाक डिवेलपमेंट हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम एक साल की तौसीह करेंगे तो एक लोगों के अंदर एक बेचैनी और इस हिजान किसी कैफियत होगी, और कुछ भी हो सकता है इस गवर्नमेंट के खिलाफ और पब्लिक को, जो उसको फिर दबाने के लिए जो हमें जो भुट्टो दौर में एक FSF फोर्स बनाई गई थी, इस तरह की एक हमें एक फोर्स बनानी पड़ेगी, और वो फोर्स उसके लिए अभी एड एक दो दिनों में अखबार में आ जाएगा। 200 रिटायर्ड आर्मी अफसरान हायर किए जा रहे हैं जो इस्लामाबाद पुलिस के साथ काम करेंगे इन्हीं ऐसी दीदा दलेरियों को आगे बढ़ाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जनाब फैज़ वेलाना साहब हमारे साथ शामिल होने के लिए, और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। चार नामों का प्रोग्राम के शुरू में हमने जिक्र किया था, शनीद है कि बाहर से इन्होंने अरेस्ट करके उनको एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह करे कि इन खबरों में कोई सदाकत ना हो और वो इतनी सख्ती ना हो कि लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकें, यानी लोगों को इंसानों की तरह हकूक के साथ जीने का हक़ ज़रूर दिया जाए। फैज़ वेलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे थर्सडे को फिर बात होगी। थैंक यू।